वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आप लोग का स्वागत है रघु फिजिक्स क्लासेस में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, वह चर्चा किए थे कुलम्स लॉ का। जो वीडियो चल रहा है, सीरीज चल रहा है वीडियो, वह कुलम्स लॉ से चल रहा है। कुलम्स लॉ का पार्ट वन पार्ट टू हम डाल चुके हैं, या पार्ट तीसरा है हम लोग का क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा ऑलरेडी जैसे कि पहले वीडियो में क्वेश्चन लिखा था उसी प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको अगर हम सोल्व करें तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार से देखिएगा, आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, कोई भी बुक एक ले लीजिएगा, उसका क्वेश्चन देखिएगा, आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग का कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है और वीडियो अपलोड होते रहेगा, जब तक चलेगा तब तक चलते रहेगा। आप देखते रहिएगा, पूरा 11 12 का वीडियो हम डाल देंगे इसी प्रकार से, सहने सहने यानी धीरे धीरे। आज का जो वीडियो है वो हम लोग का कुलम्स लॉ से रिलेटेड है। यह पार्ट नंबर क्या है तो थर्ड है, कुलम्स लॉ का थर्ड पार्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते, क्या कहता है। टू सिमिलर चार्जेज, यानी दो एक प्रकार का है। सिमिलर चार्ज का मतलब जस्ट लाइक, एक सिमिलर करने का मतलब एक प्रकार का है। रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल का मतलब दूर धकेलता है। रिपेल का मतलब क्या करता है, दूर धकेलता है। रिपेल के मतलब क्या हो जाएगा, दूर धकेलता है। ईच अदर बाई अ फोर्स, यानी फोर्स ऑफ 4.9 न्यूटन। अगर सोल्यूशन किया जाए तो बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर ए, वो क्वेश्चन क्या कहता है, टू सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, यानी दो सिमिलर चार्ज है। मान लेते हैं चार्ज यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ भी चार्ज क्यू है, ये दूसरे को रिपेल करता है ईच अदर बाई ए फोर्स ऑफ यानी फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 4.9 न्यूटन। When placed 2 centimeter apart in air, यानी मीडियम जो दिया हुआ है वह एयर दिया हुआ है। मीडियम क्या है तो एयर है। एयर का जो वैल्यू हो जाएगा, दैट इज एयर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है 1 होता है। एयर का इप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है 1। और उसके बाद 2 centimeter apart in air, 2 centimeter, दैट इज आर बराबर कितना दिया हुआ 2 centimeter, दैट इज आर इक्वल टू 2 centimeter है। इसको 2 × 10^2 सेंटी का मतलब हम लोग जानते हैं 10^-2 मीटर लिख देंगे। उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ चार्जेज, यानी क्यू बराबर व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ चार्जेज यानी क्यू का वैल्यू कितना होगा, सो हम लोग को कैलकुलेट करना है। दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सो वी अप्लाई कूलम्स लॉ, इसमें हम लोग कूलम के नियम को अप्लाई करेंगे। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ में एफ बराबर क्या होता था, तक एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए बराबर के जगह पर 1/4πε₀εr क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम सोचते हैं कि इसमें अगर जैसे सही ढंग से डाल दिया जाए तो हम लोग का सोल्यूशन हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पर अब एफ का वैल्यू डालेंगे, तो एफ का वैल्यू कितना दिया होता, 4.9 न्यूटन। चलिए 4.9 न्यूटन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/4πε₀ का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4πε₀ का वैल्यू 9 × 10^9 होता है। बटे इप्सलन आर, यहाँ पर एयर दिया हुआ था, इप्सलन आर का वैल्यू कितना होता है एयर के लिए 1। Q1 Q2 और Q2 दोनों चार्ज क्या है, तो टू सिमिलर चार्ज, दैट इज Q1 का वैल्यू Q2 के बराबर है। इट मीन Q × Q अपॉन आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10^-2 होल स्क्वायर होता है, तो लिख सकते हैं। इट मींस इसको जब इस साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा, तब 4.9 × इसको अगर इस बगल लाइएगा तो यह 2 × 4 × 10^-4 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 × 10^9 इंटू क्यू स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 9 और क्यू में थोड़ा अंतर है सर। यहां पर अब आगे इसको प्रोसीड कीजिएगा तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 4.9 × 4 upon 9 upon 9 × 10^9 और ऊपर यह क्या है, तो 10^ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर का ये वैल्यू तो नीचे ले गया इधर, तो इधर बच गया क्या, तो q स्क्वायर। सो यहां पर अब देखा जाए तो पावर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं,
तो क्यू स्क्वायर एल एच एस को आर एच एस में ले आते हैं, आर एच एस को एल एच एस में ले आते हैं, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4.9 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, आया ऊपर जाएगा तब माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा तो 9, ये डेसिमल हो रहा है तो नीचे 10, लॉन्ग हो रहा है थोड़ा, फिर भी हम लोग सही ढंग से समझ ले इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 49 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा तो माइनस 9 और माइनस 4 माइनस 13, माइनस 13 हो जाएगा आ एक ऊपर से जाएगा तो माइनस 14 हो जाना चाहिए। चलिए इसको अब क्यू बराबर क्या आ जाएगा तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं 49 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लाएंगे इसलिए ऐसा किए हैं। अब इसका क्या हो जाएगा तो 7 स्क्वायर 49 इंटू 9 इसका क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 4 का रूट, 4 का रूट जब निकालेगा तो 2 हो जाएगा, इसका 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 14 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सो यहां पर 3 से भाग दीजिएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 7 आना चाहिए। ये हो गया हम लोग का किसका तो चार्ज का वैल्यू कूलम में। सो एक क्वेश्चन का जवाब हम लोग पा लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर जो आया चार्ज का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। नंबर डी क्या कहता है, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस, एट व्हाट सेपरेशन यानी कितने दूरी पर शुड टू इक्वल चार्जेस बराबर चार्ज 1 कूलम ईच यानी प्रत्येक कितना कूलम का है 1 कूलम का है बी प्लेस्ड, प्लेस्ड के मतलब रखा जाए सो दैट ताकि द फोर्स बिटवीन देम इक्वल वेट ऑफ जो इसके बीच का फोर्स हो इक्वल हो जाए वेट ऑफ 50 केजी पर्सन यानी 50 केजी वस्तु के 50 केजी आदमी के वेट के बराबर हो जाए। एट व्हाट सेपरेशन क्वेश्चन का थीम समझिएगा, एट व्हाट सेपरेशन कितना दूरी पर शुड टू इक्वल चार्जेज बराबर चार्ज एक 1 कूलम ईच प्रत्येक का चार्ज कितना है 1 कूलम ईच प्लेस्ड यानी इक्वल चार्ज है। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर क्यू चार्ज है तो यहाँ पर भी क्यू चार्ज है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इक्वल चार्जेज और क्यू वन का वैल्यू भी 1 कूलम है और क्यू टू का वैल्यू भी 1 कूलम है बी प्लेस्ड रखा जाए सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट ऑफ द 50 केजी पर्सन यानी एफ बराबर भी दिया हुआ कितना तब 50 केजी वेट, 50 केजी वेट, 50 केजी वेट दैट इज जब ये एफ को इसको न्यूटन में बदलेंगे तब 50 इंटू 10 हो जाएगा और न्यूटन में क्योंकि हम लोग फोर्स का जो वैल्यू डालते हैं वह वेट के बराबर है, वेट बराबर होता है एम जी, तब मास दिया हुआ कितना दिया है 50 और जी का वैल्यू कितना होता है 10, नियरली होता है 10, नहीं तो हम 9.8 भी ले सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो 50 इंटू 10 ले लेंगे। सो यहाँ पर इतना लिख सकते हैं इतना न्यूटन आ गया इसका वेट। सो यहाँ पर एफ भी दिया हुआ एट व्हाट सेपरेशन यानी आर बराबर व्हाट, एट व्हाट सेपरेशन यानी पूछ रहा है एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेज 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड रखा जाए सो दैट ताकि द फोर्स बिटवीन देम उसके बीच इक्वल वेट ऑफ 50 केजी पर्सन यानी 50 केजी पर्सन के वेट के बराबर हो जाए दैट इज आर निकालना है। सो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग को कूलम्स लॉ लगाएंगे अब इसका सॉल्व करके निकालेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट कूलम्बिक फोर्स एक बराबर क्या होता है तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर दैट इज एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 50 इंटू 10 बराबर के, के का वैल्यू कितना होता है तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू अपॉन आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है। इस आर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन क्या हो जाएगा तो यहां पर 550 इंटू 10 लिख दे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर इक्वल टू यहां से अब क्या कीजिएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी पावर
टू हो जाएगा या जीरो जीरो जाएगा तो। सो यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो 9 × 10⁻⁹ माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 5 है। इधर से आर बराबर क्या आ जाएगा तो रूट अंडर 9 × क्या आ जाएगा या ऐसे 9 से 5 में भाग दे 5 से 9 में भाग दे देते हैं या अगले स्टेप में भाग देते हैं 9/5 × 10⁻⁹ माइनस 2 और 9 में से चला जाएगा तो 7 बचेगा। सो इसको एक जीरो इस पर दे दे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 90/5 × 10⁻⁶। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना तो 90 में 5 से भाग देंगे तो वह 18 के बराबर होगा रूट अंडर इंटू 10⁻³। अब 18 को रूट से बाहर निकालिएगा तो 18 का जो स्क्वायर रूट होगा वह 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा क्योंकि 25 रहता तो उसका 5 निकलता, 60 रहता तो 4 निकलता। सो थोड़ा बड़ा होगा 4 से तो इसका निकालिएगा तो 4.2 × 10⁻³ यहाँ पर 6 था इसका बाहर निकलेगा तो 10⁻³ यह मीटर में आया। सो 4.2 किलोमीटर भी इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स देखें कि एक एक कूलम चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना कितना कूलम है 1-1 कूलम और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो ताकि वह 50 केजी वेट की यानी एक मानव के वजन के बराबर, एक मानव के वजन के बराबर उसका वैल्यू हो जाए कितना दूरी पर। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस आया 4.2 किलोमीटर लगभग यह लंबा डिस्टेंस है। सो हम कह सकते हैं जो मानव का वेट है वह ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह कूलम्बिक फोर्स है। तो दोनों में बहुत अंतर है, कोलंबिक फोर्स का बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले का न्यूमेरिकल का वाला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वह प्लेलिस्ट में इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। ऐसे सभी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो सब बना के डाला हुआ है, आप जाके और रघु फिजिक्स क्लासेस चैनल पर और वहां पर जाकर आप लिंक सब दिया होगा और प्लेलिस्ट में जाकर सब देखिएगा, सब सीरियली डाला हुआ है, आप वहां से देखिए आपको बेटर समझ में आएगा। विश्वास दिलाते हैं कि न्यूमेरिकल आप बहुत जल्दी ही सीख लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का सी आया, सी क्वेश्चन में क्या कहता है टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी विकर्षण का बल है बिटवीन टू पॉजिटिव आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब धन आवेशित है आयन्स है कैरिंग इक्वल चार्ज और दोनों पर चार्ज भी क्या है बराबर है इज इतना न्यूटन यानी फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, बल का दिया हुआ है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रम, कितना एंगस्ट्रम फोर्स लगाया जाता है तो 5 एंगस्ट्रम, हाउ मेनी यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन यानी प्रत्येक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन का मिसिंग है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें दो वर्क करना है, सबसे पहला वर्क चार्ज को कैलकुलेट कर लेना है, चार्ज कैलकुलेट करने के बाद अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से। सो देखते क्या कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों पर चार्ज बराबर है यानी Q1 का वैल्यू जितना होगा उतना ही Q2 का वैल्यू है, उसके बाद कैरिंग इक्वल चार्ज इज इतना न्यूटन दैट इज फोर्स का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तो 3.7 × 10⁻⁹ - 9 न्यूटन दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है फिर जब दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रम यानी डिस्टेंस जो आर का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ था 5 एंगस्ट्रम दिया हुआ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस यानी प्रत्येक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन है जो मिसिंग है। तो यहां पर सबसे पहले चार्ज निकालेंगे, चार्ज बराबर व्हाट और एन निकालेंगे, एन बराबर व्हाट, इस क्वेश्चन में दो चीज निकालना है। सो यहां पर आर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आर बराबर कितना है 5 एंगस्ट्रम दैट इज 5 × 10⁻⁻⁶ मीटर एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है। सो यहां पर आगे कैलकुलेट करेंगे तो कूलम्बिक लॉ लगाएंगे, तसिंस हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ में एफ बराबर क्या होता है तो के Q1 Q2 / आर स्क्वायर वैल्यू डालते हैं सबका, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 3.7
इंटू 10^-9 के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10^9 Q1 Q2 का वैल्यू देखिए, तो Q1 Q2 का वैल्यू जो है बराबर है, सो Q1 इंटू Q2 Q लिख देंगे अपॉन R स्क्वायर, तो R का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो R का वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है R का वैल्यू 5 × 10^-10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पर आगे इसको प्रोसीड करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3.7 × 10^-9 इंटू या इधर आ जाएगा तो 5² 25 × 10^-20 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 9 × 10^9 बराबर Q² यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो हम इसको लिख सकते थे कितना, तो हम लोग लिख सकते थे Q² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 3.7 × 25 अपॉन कितना, तो 9 लिख दे। अब पावर वाला सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो इंटू 10^-20 -9 आया ऊपर से जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी -9 हो जाना चाहिए, उसके बाद कुछ छूटा नहीं ना, यह लिखी लिए यह लिखी लिए उसका 9 लिखी लिए या इधर लिख लिया Q² इक्वल टू। सो हम इसको लिखेंगे तो Q² इक्वल टू 3.7 × 25 / 9 × 10^ इसको एक बार कैलकुलेट कीजिए तो देखिए कितना आता है, तो इसको देखिएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो 38 जोड़ लेते इसे 9 × 9 = 18 हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप इसका Q बराबर क्या लिखेगा, रूट अंडर 3.7 × 25 / 9 × 10^-38 रूट से बाहर कीजिएगा तो यह किसका स्क्वायर है, तो आपको इसका जब स्क्वायर निकालिएगा इसका आपको आना चाहिए, वह आना चाहिए कितना, तो 6 का 0.6 या नीचे 10 ले ही लेते हैं, 10 ले लीजिएगा तो डेसिमल उड़ा देंगे, तो इसका 6 × 10^ इसका कितना जाएगा, तो इसका 5 अपॉन 9 का 3 इस 10 का लीजिएगा इसका अराउंड 3.33 आना चाहिए × 10^9 3 -19 क्योंकि हाफ हो जाएगा रूट है, तो इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 3.2 × 10^-19 कूलम, तो यह क्यू निकल गया, क्या निकल गया क्यू, इसको जब जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, अब कैलकुलेट कीजिएगा। उसके बाद हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, यानी प्रत्येक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिस हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है मिसिंग आयन पर, क्योंकि दोनों आयन था। सो हम बोल सकते हैं सिंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, उसके सिद्धांत से क्या हो जाएगा, तो Q बराबर एनी तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन बराबर Q बाई यहाँ पर जब लीजिएगा तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3.2 × 10^-19 कूलम, और इसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी याद है कितना होता है, तो 1.6 × 10^-19 कूलम, कटने वाला जो है उस टर्म को काट देंगे तो ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा, उसके बाद डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, और 16 × 2 = 32 यानी 16 2 times पढ़िएगा तो हम लोग को 32 आ जाएगा, इसलिए n बराबर 2। तो इस क्वेश्चन का दोनों आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डी पर पहुंचे, डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं, तो डी नंबर फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स,
बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यानी दो प्रोटॉन है उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रेशियो है वह निकालना है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं मॉडरेट क्वेश्चन देख रहे हैं, टॉप क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो उस क्वेश्चन को हम लोग अलग प्लेलिस्ट में देखेंगे, क्योंकि हाई लेवल कंपटीशन जो होगा उसका क्वेश्चन कुछ अलग डालेंगे। ये तो सीखने के शुरुआती टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कम नहीं है। ये क्वेश्चन सभी बनाने आ गया था, बहुत चीज आप सीख लिए। न्यूमेरिकल एक ऐसा बैकबोन है फिजिक्स का कि न्यूमेरिकल के बिना तो आप सांस ले ही नहीं सकते फिजिक्स में, सही ढंग से देखे तो। इसलिए न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया डी नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यानी दोनों प्रोटॉन है तो यहां पर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पर भी मास ऑफ प्रोटॉन, और यहां पर इसके बीच की दूरी डी दिया हुआ है शायद, या नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यानी कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, तो सपोज आर ही मान लेते हैं, तो यह मास ऑफ प्रोटॉन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग पढ़े थे इलेवेंथ में ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर जो पढ़े थे वह पढ़े थे एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। सो एफ ग्रेविटेशनल बराबर कितना जाएगा, तो जी एम वन का वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन, एम टू का वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू लिख लिए। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू लिखेंगे, तो यहां पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर, दोनों प्रोटॉन के बीच इसके बीच के डिस्टेंस भी कितना है आर। और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर होता है, ए बराबर जो होता है ए बराबर के ए क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। यहां से देख रहे थे, यहां से देख रहे हैं, तो एफ इलेक्ट्रिकल बराबर एफ इलेक्ट्रिकल बराबर के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो या के का के रहने देते, के इंटू क्यू वन का वैल्यू ई इंटू क्यू टू का वैल्यू भी ई अब बटे आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। अब रेशियो निकालना है किसके किसके बीच, तो फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को ऊपर रखेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे रखेंगे, बिटवीन टू प्रोटॉन्स यानी दो प्रोटॉन के बीच। सो एफ इलेक्ट्रिकल, नाउ अब यह हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो एफ इलेक्ट्रिकल बटे एफ ग्रेविटेशनल, एफ इलेक्ट्रिकल बटे एफ ग्रेविटेशनल, एफ इलेक्ट्रिकल का फोर्स कितना है, तो के इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ ग्रेविटेशनल का वैल्यू कितना है, तो एफ ग्रेविटेशनल का फोर्स यहां पर निकाल के लाया है, तो जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। सो यहां पर कटने वाला क्या है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। सो यहां पर एफ इलेक्ट्रिकल बटे एफ ग्रेविटेशनल बराबर जो हो जाएगा वह के बाई जी इंटू क्या हो जाएगा, तो ई बटे मास ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देते हैं, के का वैल्यू जैसा कि आप लोग को मालूम है, के का वैल्यू जो होता है वह होता है 9.0 यानी 9×10^9 अपॉन जी। जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी का वैल्यू 11th पे पढ़े थे और 12th में भी बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसका वैल्यू होता है 6.67×10^-11 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, प्रोटॉन के चार्ज जो होता है 1.6×10^-19 कूलम्ब बटे मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह होता है 1.67×10^-27 kg, 10 kg यूनिट छोड़ देते हैं, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना जाएगा, तो यह 9×10^9 इंटू इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हम लोग का आ जाना चाहिए, इसका 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 कैलकुलेशन कीजिएगा डायरेक्ट, यहां पर कैलकुलेशन करके आप लिख लीजिएगा, इसका वैल्यू जो आना चाहिए वह आना चाहिए 1.23×10^36। यह रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट
नहीं होगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब, ऐसे पावर का कैलकुलेशन पहले कर लीजिएगा तब स्क्वायर कीजिएगा, फिर पावर का बढ़ोतरी हो जाएगा, उसी प्रकार से इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, पूरा लाके यहाँ तक ला सकते हैं। ज्यादा इसको लंबा नहीं ले जा रहा है क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है वीडियो बनाने में न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल समझाना मेन मकसद रहता है, सोल्यूशन तो आप लोग जानते ही होइएगा, ऐसा नहीं जानते होइएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग पर पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सही ढंग से जानते होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर ई बचा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पर नंबरिंग जो किया हुआ है, क्या कहता है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ द मास एम, यानी दो पार्टिकल्स है जिसका मास कितना है तो एम एम है, क्या कहता है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम, यानी दो पार्टिकल्स है जिसका मास एम है एंड चार्ज क्यू है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, यानी डी डिस्टेंस पर है, दो चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज भी बराबर है और मास भी बराबर है, इसको रखा कितना दूरी पर है तो डी दूरी पर। उसके बाद क्या कहता है, इफ द टू पार्टिकल्स आर इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम में है साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम में का मतलब साम्य अवस्था में है अंडर द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उतना ही क्या लगता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ Q by M, यानी चार्ज बाय मास का रेशियो निकालना है, चार्ज बाय मास का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए तब तक बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिएगा बैकग्राउंड में नॉइज सब आता रहता है, उसको अंडरस्टूड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम जहां पर हैं वहां पर अगल बगल में बहुत प्रजाति के व्यक्ति रहते हैं, इसलिए ये सब पर उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए ई नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, क्या कहता है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम, दोनों का मास एम है, चलिए यहां पर है इसका मास एम है तो इसका मास भी एम है। उसके बाद क्या कहता है, एंड चार्ज क्यू, इसका चार्ज क्यू है तो इसका चार्ज भी क्यू है, चलिए। उसके बाद क्या कहता है, मास एम, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और दोनों के बीच की दूरी कितना है तो डी है, ये भी दे रखा है। उसके बाद क्या कहता है, इफ द टू पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम अंडर द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, दैट इज एफ ग्रेविटेशनल बराबर एफ इलेक्ट्रिकल, दोनों फोर्स भी बराबर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्यू बाई एम, सो क्यू बाई एम बराबर वाट, यानी चार्ज बाई मास का रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले सिंस यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है एफ ग्रेविटेशनल बराबर एफ इलेक्ट्रिकल, तो दोनों वैल्यू को डाल देते हैं, एफ ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा तो जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर बराबर, एफ ग्रेविटेशनल का वैल्यू कितना हो जाएगा तो के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, यहां पर जब डालिएगा तो यहां पर एफ जी का जी छोड़ेंगे एम वन एम टू तो दोनों मास एम एम है तो एम स्क्वायर अपॉन इसके बीच के दूरी आर की जगह पर क्या दिया हुआ है डी, सो डी स्क्वायर बराबर के का के छोड़े तो के इंटू क्यू वन क्यू टू तो चार्ज दोनों बराबर है सो क्यू वन इंटू क्यू टू क्यू क्यू हो जाएगा बटे आर, तो आर का वैल्यू भी इसके लिए भी कितना है तो डी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जी एम स्क्वायर सो अगले स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बाई बराबर क्या हो जाएगा तो जी बाई एम जी बाई के सो क्यू बाई एम बराबर रूट में कर इधर से रूट हटाएंगे स्क्वायर नहीं इधर क्यू बटे एम का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं जी, जी का वैल्यू कितना होता है तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 अपॉन के का वैल्यू कितना होता है तो के का वैल्यू जो होता है वह होता है क्या तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इतना होता है। सो क्यू बाई एम बराबर रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 6.67
सेवन इन बटे नाइन इंटू टेन टू दी पावर कितना हो जाएगा, तो माइनस इलेवन माइनस नाइन, यह माइनस नाइन हो जाएगा ऊपर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, द रूट अंडर, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आपको तो आना चाहिए इसका वैल्यू 0.745 ऐसे करके इंटू टेन टू पावर माइनस 20। जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, वह आ जाएगा 0.86 इंटू टेन टू पावर क्या जाएगा, तो माइनस 10, यह क्यू बाई एम का तो इसका यूनिट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का कूलम, इसका मास है तो मास का केजी, यानी चार्ज बाई मास रेशियो जो आ गया वह कितना आ गया 0.86 इंटू टेन टू दी पावर माइनस 10 कूलम्ब पर के जी। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।